गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था क्रो प्रोडक्शंस, ठीक है, कि फसल उत्पादन क्या होता है और उसका हम संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। उसमें हमने फसल वाला जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कृषि पद्धतियां, कि एक जो किसान जब फील्ड के अंदर कुछ खेती करता है किसी भी फसल की, ठीक है, तो उसके दौरान उसको कौन कौन सी स्टेप्स जो फॉलो करनी पड़ती है एक अच्छी फसल के उत्पादन के लिए। ओके, तो एक अच्छी फसल के उत्पादन के लिए अगर किसान की बात करें तो सबसे पहले वो कौन से स्टेप फॉलो करता है। स्टेप फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, एक एग क्लास, एक ऐसी क्लास है जिसमें मेरे पास आंसर नहीं आते, बल्कि सिक्स सेवन और नाइन्थ में जिस पूछू ना उससे पहले आंसर आ जाते हैं। राहुल ये बताओ कि पहली स्टेप कौन सी होती है किसान को खेती करने के लिए। सोइल को फर्टिलाइज करते हैं। क्या प्रिपरेशन ऑफ सोइल? प्रिपरेशन ऑफ सोइल बस। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो क्या देने में जोर थोड़ी आता है, आंसर दिया करो। आप पूछते ही कि एक किसान जब खेती करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। और प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मींस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब तक हम लोग मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, मिट्टी को उथल फुथल नहीं करेंगे या उसको जब तक पोली नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस फील्ड से, उस खेत से एक अच्छी फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, सोइंग सीड्स। क्या सोइंग ऑफ सीड्स? सोइंग ऑफ सीड्स का मींस होता है कि जब भी एक किसान फील्ड के अंदर किसी भी फसल की खेती करता है तो सबसे पहले तो वो बीज का सिलेक्शन करता है। ऐसे नहीं कि मार्केट से लाए, उठाए और उसको खेत में डाल दिया, नहीं। सबसे पहले तो हम लोग उस सीड्स की क्वालिटी जानते हैं कि ये सीड्स कितने दिन में फल देगा, हमें कितने दिन तक ये फसल चलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक गुड क्वालिटी, ठीक है, इसके अलावा हेल्दी फूड सीड्स एंड एक अच्छी यील्ड, यानी एक अच्छी प्रतिशत के साथ वो क्या दे सके, फसल दे सके। तो सबसे पहले सोइंग ऑफ सीड्स करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है और वो क्या है, जरूरी भी है, ठीक है। एक सीड्स का सिलेक्शन करना क्या होता है, जरूरी होता है, और वो क्यों होता है आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप कौन सी थी हमारी, स्टेप नंबर थर्ड, फर्टिलाइजेशन और मैन्योर। यस, कि जैसे हमने खेत के अंदर सीड्स डाले, बीज डाले, इसके बाद जब तक हम क्या ना दे उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन अगर फसल को प्रोवाइड नहीं कराए, तब तक वो फसल क्या करती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो एक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, फसल को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स देने चाहिए। और एक क्या करना चाहिए, रोटेटिंग फसल, यानी हमें फसल का रोटेशन भी करवाते रहना चाहिए। और वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही फील्ड के अंदर, अगर हम लोग एक ही फील्ड के अंदर सेम प्रकार की फसल बोते रहे, जैसे मैंने टमाटर की फसल के ऊपर ही दोबारा से टमाटर की फसल, फिर टमाटर की फसल, फिर टमाटर की फसल, यानी एक फील्ड के अंदर हमें बदल बदल के फसल बोनी चाहिए। और क्यों बोनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी बदल बदल की फसल बोएंगे हमारी फसल उतनी ही अच्छे से क्या कर पाएगी, ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। तो क्रॉप का रोटेशन भी करते रहना चाहिए। इसके बाद हम आज बात करते हैं हमारी फोर स्टेप, यानी इरिगेशन, यानी सिंचाई। तो सिंचाई क्यों करवाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि जब तक प्लांट्स की सिंचाई नहीं हो पाती तब तक प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाता। यानी एक प्लांट की अच्छी तरीके से सिंचाई करवानी चाहिए ताकि हमें
एक क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो हमें एक अच्छी यील्ड के साथ प्राप्त हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इरिगेशन की। और इरिगेशन यानी एक छोटा सा जो प्लांट होता है, एक छोटा सा जो पौधा होता है, उसको एक बिग ट्री में ट्रांसफर करता है। किसकी वजह से? सिंचाई की वजह से। देखो, कोई प्लांट हमने ग्रो किया है, ठीक है, अगर हमने उसमें वाटर अप्लाई नहीं किया, अगर उसमें हमने वाटर नहीं दिया, वो प्लांट क्या हो जाता है? जल जाता है, या दो तीन दिन के अंदर वो प्लांट खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा हम बात करें, हमें गर्मियों का जो सीजन होता है, इसमें हमें वाटर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी धूप है, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या करती हैं? वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो गर्मियों के सीजन में हमें फसल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इरिगेशन में देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में रीड आउट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सप्लाई ऑफ वॉटर, ठीक है, सप्लाई ऑफ वॉटर टू द क्रॉप, यानी क्रॉप के अंदर वॉटर की सप्लाई प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स कैनल, और बात करते हैं वॉटर रिजर्वेशन, इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई कि सप्लाई ऑफ वॉटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल कैनल्स आर वॉटर रिकॉर्ड्स नोन एज द इरिगेशन। ये क्या कहलाता है? एक इरिगेशन कहलाता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें कि वॉटर इज ए की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन के लिए जो वॉटर होता है एक की इनपुट होता है, यानी किसकी इकाई है। जैसे एक ताले को हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए हमें चाबी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, खाना पकाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की एक अच्छी उत्पादन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट ये बताना कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉटर, फॉर्मूला क्या होता है वॉटर का? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। ये चीज मैंने पढ़ा दी है कि फॉर्मूला क्या होता है वॉटर का? राहुल, H2O। वॉटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये छोटी छोटी चीज है, अगर क्लास में बैठते हो तो पूरी ईमानदारी के साथ बैठा करो आप लोग, कोई जबरदस्ती नहीं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पढ़ो क्लास लो, लेकिन पढ़ो ना तो ईमानदारी से पढ़ो, धोखा मत दो अपने आप को और घर वालों को कि मैं क्लास ले रहा हूँ या ले रही हूँ, पूरा माइंड रखा करो। बोल रही हूँ ना कि ये चैप्टर ऐसा है, अगर ध्यान लगा के क्लास में पढ़ लिया ना, और आपके पेरेंट्स को पूछे ना इस चैप्टर के बारे में, तो आपसे ज्यादा तो एक्सप्लेन वो कर सकते हैं, चाहे वो अपनी भाषा में करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी चीज के लिए आप लोगों को हिंदी में पूछे ना कि क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे, बल्कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ
पढ़ो ना तो ईमानदारी से पढ़ा करो क्लास में, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने प्रूव करने के लिए मत पढ़ो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वॉटर होता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे प्लांट है, ये कोई सा भी प्लांट है, ये प्लांट्स की रूट है, ठीक है, यहाँ पे सोयल है, ठीक है, ये प्लांट्स की स्टेम है, ये ब्रांचेज है, ब्रांचेज की ये लीफ है। तो प्लांट का वह कौन सा पार्ट है जो वॉटर को एब्जॉर्ब करता है, ये रूट वाला पार्ट करता है, ये स्टेम वाला पार्ट करता है, ये लीफ वाला पार्ट करता है? गिव मी आंसर। रूट। क्या? रूट। रूट पार्ट। रूट। प्लांट की जो रूट होती है, हम यहाँ पे तो वॉटर अप्लाई करते हैं ना, तो प्लांट की जो रूट होती है, प्लांट की जो जड़े होती है, उस वो ही क्या करती है, वॉटर और जो विभिन्न प्रकार की जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए बोलती है कि प्लांट्स जब जितनी मात्रा में वॉटर को वॉटर अप्लाई करेंगे या मिनरल्स या जितनी भी पोषक तत्व है प्लांट्स को देंगे, प्लांट उतनी ही अच्छी तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो अगला पॉइंट होगा हमारा कि वॉटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, कि प्लांट की जो रूट होती है उसके द्वारा वॉटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वॉटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स, कि प्लांट की जो रूट होती है, प्लांट की जो जड़े होती है, उसके द्वारा वॉटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि जब हम जर्मिनेशन, क्या होता है जर्मिनेशन का मींस, कि अगर हमें बीज का अंकुरण कराना है किसी फील्ड के अंदर, जैसे हमने टमाटर का सीड्स सोयल के अंदर डाला, और जब तक हम इसको वॉटर अप्लाई नहीं करेंगे, यानी वॉटर नहीं देंगे, वो सीड्स ग्रोथ नहीं करेगा। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी बीज के अंकुरण के लिए वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी एक बीज का जो अंकुरण होता है उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉटर की। तो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मींस होता है अंकुरण, यानी हम खेत के अंदर सीड्स डालते हैं, जैसे पानी अप्लाई करते हैं, कुछ छोटे से प्लांट में कन्वर्ट होता है, फिर इतना फिर ग्रोथ करता है, एक पूरा प्लांट बनता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी प्लांट के अंकुरण के लिए भी हमें वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, सप्लाई ऑफ वॉटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, सप्लाई ऑफ वॉटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो, जब तक हम फसल को लगातार पानी नहीं देंगे, जैसे हमने आज फसल को पानी दिया और उसको दो दिन बाद वापस से रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अधिकतर समर सीजन में, ठीक है। तो जो फसल को जो वॉटर देने की जो सप्लाई होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, रेगुलर इन ट्रेवल्स होनी चाहिए, यानी जब जब हमें फसल को पानी देना है तो उसको प्रॉपर मात्रा में पानी प्रोवाइड करवाना ही है। अगर हमें एक क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करना है, एक फसल उत्पादन अच्छे तरीके से करना है, तो वॉटर की सप्लाई भी हमें रेगुलर तरीके से करनी चाहिए। इसके बाद बात करती हूँ लास्ट पॉइंट, इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ओ वॉटरिंग इन हायर, यानी हम बात करते हैं कि जो समर सीजन होता है उसके अंदर जो वॉटर की जो सप्लाई होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी में होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि समर सीजन में प्लांट्स को वॉटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं
उनकी जो चमक होती है वो तेज हो जाती है समर सीजन में, तो वो वॉटर को जो भी हम प्लांट्स को वॉटर सप्लाई करवाते हैं उसको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसके कारण हम बात करते हैं कि समर सीजन में जो वॉटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी क्या क्या स्रोत हैं इरिगेशन के। तो आप में से कौन बताएगा कि एक फसल को अगर हमें पानी देना है तो इसके लिए हमें वॉटर कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। तालाब, कुएं, नलकूप। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा हमारा सिंचाई, वेरी गुड। देखो तो अगला पॉइंट है हमारा कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि जो इरिगेशन होता है सिंचाई होती है उसके क्या क्या स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स, कुएं, पॉन्ड्स, तालाब। इसके अलावा ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, वॉटर सप्लाई के लिए जितने भी स्रोत होते हैं वो है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, कि जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होता है, उनकी जो मेथड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमें एक पौधे को अगर हमें वॉटर अप्लाई करवाना है, यानी वॉटर प्रोवाइड करवाना है, तो हम कौन कौन से तरीके से प्लांट को वॉटर अप्लाई या सप्लाई करवा सकते हैं। तो बताओ कितने तरीके से हम वॉटर की सप्लाई करवा सकते हैं एक प्लांट को। स्प्रिंकल्स, हम दो तरीके से, हमारे दो तरीके हैं। एक तो है मॉडर्न तरीका जो अभी चल रहा है, ठीक है, और एक कौन सा तरीका है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक तरीका। तो हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो मेथड ऑफ इरिगेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक तरीका। सेकेंड हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मीन्स यानी आधुनिक तरीका। ये बताओ मॉडर्न मेथड में हम कौन कौन सा अप्लाई करें आज के जमाने में, अगर हमें फसल को पानी देना है, कौन कौन सा? फव्वारा और नलकूप। फव्वारा और नलकूप, एक तो होता है हमारा ड्रिप सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा बूंद बूंद करके हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, वॉटर सप्लाई करवाते हैं। और सेकेंड कौन सा हमारा, स्प्रिंकल यानी फवारे की सहायता से हम प्लांट की जो फसल है यानी पौधे की जितनी भी फसल है अधिक मात्रा में उसको हम वॉटर सप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं देखना एक बार। ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब, पारंपरिक तरीका। ठीक है, ये कौन सा है, पारंपरिक तरीका। और इसके अंदर हम बात करते हैं पुली सिस्टम, एक तो होता है हमारा पुली सिस्टम, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं चेन पंप। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, देखो पहले के जमाने में लोग
कुएं के अंदर से पानी निकालते थे, वो कैसे, एक चेन सिस्टम होता था और दोनों हाथों से रस्से की सहायता से उसको खींचते थे। तो वो तो कौन सा है, एक तो चेन की सहायता से, एक रस्से की सहायता से। तो पुली सिस्टम, पुल पे खड़े होके रस्से रस्से से बाल्टी अटैच करके और वाटर खींच के फिर पानी इकट्ठा करते थे। लेकिन सेकंड तरीका कौन सा है, चेन पंप, ठीक है। तो आज के जमाने में इन मेथड को कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि इन मेथड्स को वो लोग फॉलो करें, क्योंकि अभी तो हमारे कौन से मेथड आ चुके हैं, मॉडर्न मेथड, ठीक है। एक वाटर की सप्लाई के लिए हमारे पास मॉडर्न मेथड आ चुके हैं, इन मेथड्स को कोई फॉलो नहीं करता। इसके बाद एक और है इसमें डेकली, इस मेथड के द्वारा भी क्या करते थे, पहले के लोग वाटर की सप्लाई करते थे क्रॉप प्रोडक्शंस में, यानी फसल उत्पादन में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारा सेकंड मेथड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक तरीका। ठीक है, इसके अंदर हम कौन कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड होता है स्प्रिंजल। जिसको हम बोलते हैं फवारे के द्वारा प्लांट की जो फसल है, किसी भी प्लांट की जो फसल है उसको वाटर प्रोवाइड करवाना, यानी वाटर की सप्लाई करवाना, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड हमारा है ड्रिप सिस्टम। तो ये बताओ इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा है। आपने घर पे सुना होगा, अपने बड़े जो खेती करते हैं उनसे सुना होगा कि मॉडर्न मेथड और जो ड्रिप मेथड है उसमें से कौन सा मेथड हमारे लिए सही है और क्यों सही है, कौन सा है सही। मॉडर्न मेथड, हम बात करते हैं किसकी, इस मेथड की, ड्रिप जो मेथड है वो मेथड हमारे लिए सही है। बिकॉज क्योंकि एक तो इसमें पानी खराब नहीं होता, बिल्कुल भी पानी बूंद बूंद करके प्लांट्स की जो रूट होती है उस तक पहुंच जाता है। और फवारे की बात करें, फवारा भी इसमें भी इतना बेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा प्लांट की दूर तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक अच्छी फसल के लिए आज के जमाने में जो हमारा मॉडल जो मेथड चल रहा है वो है ड्रिप सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्प्रिंजल मेथड की। इस मेथड में हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंजल यानी फवारे द्वारा। इसमें सबसे पहले बात करती हूँ परपेंडिकुलर पाइप्स। परपेंडिकुलर पाइप्स का मींस होता है कि इन फवारों की सहायता से प्लांट में जो वाटर की जो सप्लाई होती है वो परपेंडिकुलर तरीके से होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड हमारा रोटेटिंग। फवारे पे जो नोजल्स होते हैं जिनके द्वारा वो क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। और प्लांट जो हमारा फील्ड है, खेत है, वहां पे जितने भी प्लांट्स है वहां तक वाटर की सप्लाई करते हैं। तो जो नोजल्स होते हैं फवारे के अंदर वो टॉप पे होते हैं और रोटेट होते रहते हैं, और इन्हीं नोजल्स के द्वारा हमारी जो वाटर की जो सप्लाई है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच पाती है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, रेगुलर इंटरवल्स।
यानी कि नॉन स्टॉप करने वाला एक सिस्टम है, यानी एक रेगुलर चलने वाला सिस्टम होता है। इसके बाद है स्प्रिंजन ऑन द टॉप, ठीक है। तो ये इन चारों तरीके से हम एक स्प्रिंजल मेथड द्वारा प्लांट में क्या कर सकते हैं, वॉटर की सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। तो सेकंड पार्ट हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो वॉटर होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स की जो रूट होती है वहां तक पहुंच जाता है। तो ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं वॉटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स। कि इस मेथड के द्वारा जो वॉटर होता है प्लांट की रूट तक आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम हमारे लिए क्या है, एक अच्छी फसल के लिए आजकल एक तो इससे पानी की बचत होती है, यानी पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, जितना भी पानी होता है वो सारा वॉटर प्लांट की जो रूट है वहां तक पहुंच पाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें कि वॉटर इज नॉट वॉटर इज नॉट बेस्ट। थर्ड पॉइंट था हमारा इसके अंदर कि जहां पर या जिन क्षेत्रों में वॉटर की कमी है और हमें फिर भी फसल बोनी है तो हमारा ये जो ड्रिप वाला सिस्टम है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। कि जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, उस इलाके में भी अगर हमें फसल बोनी है तो उसके लिए हम ड्रिप सिस्टम की सहायता से एक क्रॉप का प्रोडक्शन यानी एक फसल उत्पादन कर सकते हैं। वो कैसे, तो हमारी थर्ड लाइन है बोन इन रीजन, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर वॉटर की क्या है कमी है, तो वेयर एबिलिटी ऑफ वॉटर इज पुअर। कि इस सिस्टम के द्वारा जिन इलाकों में वॉटर की कमी है वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इरिगेशन के बारे में और ये भी क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी एक कृषि पद्धतियों का भाग है। इसके अंदर एक अगर हमें फसल एक प्लांट की एक अच्छी फसल ऑब्टेन करनी है, प्राप्त करनी है, तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई सीड्स है और उसको हमने फील्ड में डाल दिया लेकिन अगर हमने वॉटर अप्लाई नहीं किया उस प्लांट में तो वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानी हमें एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा उस फसल के लिए। तो इरिगेशन क्यों करते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया है कि इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, वॉल्स हो सकता है, पाइप्स यानी पॉन्ड्स हो सकते हैं, तालाबों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं वॉटर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके मेथड ऑफ इरिगेशन दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसके अलावा मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक तरीका, कि किस प्रकार से पहले के लोग जब खेती करते थे तो कौन सा तरीका अपनाते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं पुली सिस्टम, चेन पंप, देगली, ये कौन से मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न मेथड की बात करते हैं, यानी एक आधुनिक तरीके से हम किस प्रकार से फसल का उत्पादन करते हैं वॉटर अप्लाई करके। तो मॉडर्न मेथड में हम दो मेथड लेते हैं, स्प्रिंकलर यानी फवारे के द्वारा और सेकंड है ड्रिप सिस्टम के द्वारा। फवारे के द्वारा हम किस प्रकार से प्लांट के हर पार्ट को क्या कर सकते हैं वॉटर अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे, तो परपेंडिकुलर पाइप से, यानी फवारे के अंदर एक परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, यानी एक लगातार ऐसा पाइप होता है जिसमें वॉटर
लगातार जाता रहता है, ठीक है, नॉन स्टॉप। इसके बाद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, कि टॉप पर जो नोजल्स होते हैं वो रोटेटिंग करते रहते हैं और प्लांट हर प्लांट्स को वाटर अप्लाई करवाते रहते हैं, यानी वाटर की सप्लाई करवाते हैं। इसके बाद रेगुलर इंटरवल्स, ये रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, रुकने वाले नहीं होते हैं, इनका जो टॉप पे जो नोजल्स होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं, ऐसे नहीं कि स्टॉप हो गया फिर इधर पानी इधर पानी, नहीं, ये क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, यानी ये वाटर की सप्लाई रेगुलर करते रहते हैं। इसके बाद ड्रिप सिस्टम में पड़ा कि वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा अगर हमें फसल ऑब्टेन करनी है तो इस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा हम प्लांट्स की रूट तक डायरेक्टली पानी सप्लाई करवा सकते हैं, और इस सिस्टम के द्वारा अगर जिन इलाकों में पानी कम है वहां पे भी हम इस सिस्टम के द्वारा फसल का उत्पादन करवा सकते हैं, और इस मेथड में क्या होता है, पानी भी खराब नहीं होता है। इसके बाद हमारी दो और मेथड बचे हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से, एक तो वीडिंग वाला, खरपतवार वाला, कि एक फसल के अंदर जो खरपतवार होती है उसको हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बचा हमारा स्टोरेज, कि अगर हमें गोदामों में हम जो गेहूं वगैरह या अनाज धान की किसी की भी फसल है उसको हम किस प्रकार से, यानी किस तरीके से इसको स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके स्टूडेंट,